गोवा के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, गोवा की के सपूत श्रीपाद नायक जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरी साथी डॉक्टर भारती ताई पवार जी, गोवा के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, सभी कोरोना वॉरियर भाई और बहनों, गोयच्या मजा मोगाल भावा बहनेना तुमचे अभिनंदन। आप सभी को श्री गणेश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर हम सभी बप्पा को विदाई देंगे, हाथों में अनंत सूत्र भी बांधेंगे। अनंत सूत्र यानी जीवन में सुख समृद्धि लंबी आयु का आशीर्वाद। मुझे खुशी है कि इस पावन दिन से पहले गोवा के लोगों ने अपने हाथों पर, बांह पर जीवन रक्षा सूत्र यानी वैक्सीन लगवाने का भी काम पूरा कर लिया है। गोवा के प्रत्येक एलिजिबल व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, गोवा एक ऐसा भी राज्य है जहां भारत की विविधता की शक्ति के दर्शन होते हैं। पूरब और पश्चिम की संस्कृति, रहन सहन, खान पान यहां एक ही जगह देखने को मिलता है। यहां गणेशोत्सव भी बनता है, दीपावली भी धूमधाम से मनाई जाती है और क्रिसमस के दौरान तो गोवा की रौनक ही और बढ़ जाती है। ऐसा करते हुए गोवा अपनी परंपरा का भी निर्वाह करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर मजबूत करने वाले गोवा की हर उपलब्धि सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे देश को खुशी देती है, गर्व से भर देती है। भाइयों और बहनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे अपने मित्र सच्चे कर्मयोगी स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की याद आना स्वाभाविक है। 100 वर्ष के सबसे बड़े संकट से गोवा ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, पर्रिकर जी आज हमारे बीच होते तो उनको भी आपकी इस सिद्धि के लिए, आपके इस अचीवमेंट के लिए बहुत गर्व होता। गोवा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते कुछ महीनों में गोवा ने भारी बारिश, साइक्लोन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का
हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां अनेक साथियों ने जो अनुभव हमसे साझा किया उनसे साफ है कि अभियान कितना मुश्किल था। उफनती नदियों को पार करके वैक्सीन को सुरक्षित रखते हुए दूर दूर तक पहुंचने के लिए कर्तव्य भावना भी चाहिए, समाज के प्रति भक्ति भी चाहिए और अप्रतिम साहस की भी जरूरत लगती है। आप सभी बिना रुके बिना थके मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपकी ये सेवा हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। साथियों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सारी बातें कितने उत्तम परिणाम लाती हैं ये गोवा ने, गोवा की सरकार ने, गोवा के नागरिकों ने, गोवा के कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये कर दिखाया है। सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार का समन्वय गोवा ने दिखाया है वो वाकई सराहनीय है। प्रमोद जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। राज्य के दूर सुदूर में बसे केना कोना सब डिवीजन में भी बाकी राज्य की तरह ही तेजी से टीकाकरण होना ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मुझे खुशी है कि गोवा ने अपनी रफ्तार को ढीला नहीं पड़ने दिया है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरी डोज के लिए राज्य में टीका उत्सव चल रहा है। ऐसे ईमानदार एकनिष्ठ प्रयासों से ही संपूर्ण टीकाकरण के मामले में भी गोवा देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और ये भी अच्छी बात है कि गोवा न सिर्फ अपनी आबादी को बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों, बाहर से आए श्रमिकों को भी वैक्सीन लगा रहा है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था, बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है, हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ, हर सेकंड 425 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश के कोने कोने में बनाए गए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। भारत की अपनी वैक्सीन वैक्सीनेशन के लिए इतना बड़ा नेटवर्क, स्किल मैनपावर, ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है। और इसलिए
इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए। साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं, पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं, लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से दिन रात जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है। हर किसी ने इसमें बहुत सहयोग किया है, लोगों ने इसे सेवा से जोड़ा, ये उनका करुणा भाव, कर्तव्य भाव ही है जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा सकी। और मैं मानता हूं वैक्सीन के हर एक डोज एक जीवन को बचाने में मदद करती है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान सिर्फ स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि एक तरह से आजीविका की सुरक्षा का भी कवच है। अभी हम देखें तो हिमाचल पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है, गोवा 100% हो चुका है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में भी सभी पात्र व्यक्तियों को पहली डोज लग चुकी है, सिक्किम भी बहुत जल्द 100% होने जा रहा है, अंडमान निकोबार, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली भी बहुत दूर नहीं है। साथियों, ये बहुत चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। प्रारंभ में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लग जाती है, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा संभव हो पाएगी, और इन सब प्रयासों के बीच गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा
दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनंद ले सके, ये हम सभी की कामना है। ये तभी संभव है जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना टीकाकरण पर दे रहे हैं। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हल्के में नहीं लेना है। सेफ्टी और हाइजीन पर यहां जितना फोकस होगा, पर्यटक उतनी ही ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने भी हाल में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। ट्रेवल और टूरिज्म से जुड़े स्टेक होल्डर्स को 10 लाख रुपए तक का लोन 100% सरकारी गारंटी के साथ दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को भी 1 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार आगे भी हर वो कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के टूरिज्म सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो। साथियों, गोवा के टूरिज्म सेक्टर को आकर्षक बनाने के लिए वहां के किसानों, मछुआरों और दूसरे लोगों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार की डबल शक्ति मिल रही है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोवा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। मोपा में बन रहा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का एक आधुनिक कनेक्टिंग हाईवे बनाया जा रहा है। सिर्फ नेशनल हाईवे के निर्माण में ही बीते सालों में 1,000 करोड़ रुपयों का निवेश गोवा में हुआ है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ने के लिए जूरी ब्रिज का लोकार्पण भी अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये ब्रिज पणजी को मार्गों को जोड़ता है। मुझे बताया गया है कि गोवा मुक्ति संग्राम की अनोखी गाथा का साक्षी अगौड़ा फोर्ट भी जल्द ही लोगों के लिए फिर खोल दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, गोवा के विकास की जो विरासत मनोहर पर्रिकर जी ने छोड़ी थी, उसको मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद जी और उनकी टीम पूरी लगन के साथ आगे बढ़ा रही है। आजादी के अमृत काल में जब देश आत्मनिर्भरता के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो गोवा ने भी स्वयं पूर्णा गोवा का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्णा गोवा के इस संकल्प के तहत गोवा में 50 से अधिक कंपोनेंट्स के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। ये दिखाता है कि गोवा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। साथियों, आज गोवा सिर्फ कोविड टीकाकरण में अग्रणी नहीं है, बल्कि विकास के अनेक पैमानों में
देश के अग्रणी राज्यों में है। गोवा का जो रूरल और अर्बन क्षेत्र पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो रहा है, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी गोवा में अच्छा काम हो रहा है। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां 100% बिजलीकरण हो चुका है, हर घर नल से जल के मामले में तो गोवा ने कमाल ही कर दिया है। गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल जैसे जल पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है। ये जल जीवन मिशन के तहत बीते 2 साल में देश ने अब तक लगभग 5 करोड़ परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा जोड़ा है। जिस प्रकार गोवा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वो गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर गोवा सरकार की प्राथमिकता को भी स्पष्ट करता है। भाइयों और बहनों, सुशासन को लेकर यही प्रतिबद्धता कोरोना काल में गोवा सरकार ने दिखाई है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने जो भी मदद गोवा के लिए भेजी, उसको तेजी से बिना किसी भेदभाव के हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम गोवा की टीम ने किया है। हर गरीब, हर किसान, हर मछुआरे साथी तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महीनों महीनों से गोवा के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जा रहा है। मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गोवा की अनेक बहनों को मुश्किल समय में सहारा मिला है। गोवा के किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों रुपए सीधे बैंक अकाउंट में मिले हैं। कोरोना काल में ही यहां के छोटे किसानों को मिशन मोड पर किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। यही नहीं, गोवा के पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी गोवा में रेहड़ी पटरी और ठेले के माध्यम से व्यापार करने वाले साथियों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है। इन सारे प्रयासों की वजह से गोवा के लोगों को बाढ़ के दौरान भी काफी मदद मिली है। भाइयों और बहनों, गोवा असीम संभावनाओं का प्रदेश है। गोवा देश का सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, बल्कि ब्रांड इंडिया की भी एक सशक्त पहचान है। ये हम सभी का दायित्व है कि गोवा की इस भूमिका को हम विस्तार दें। गोवा में आज जो अच्छा काम हो रहा है, उसमें निरंतरता बहुत आवश्यकता है। लंबे समय बाद गोवा को राजनीतिक स्थिरता का, सुशासन का लाभ मिल रहा है। इस सिलसिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। सगळ्यांक देव बरे करू। धन्यवाद।